हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, जो कि मैंने अक्टूबर के मंथ में रिलीज किया था 10 अक्टूबर 2020 को, और कल ही मैंने आपको बताया था कि इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में लिंक पे क्लिक करके 7,500 से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए 8,000 से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल दिस सपोर्ट दैट यू पीपल आर ऑफरिंग मी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रोबेबिलिटी के ऊपर है ये क्वेश्चन। जरा पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। टोटल 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, वहां पर तीन टाइप के बच्चे हैं, ए बी एंड सी। ए का मतलब है वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बी का मतलब है रेगुलर बट नॉट सो हार्ड वर्किंग, एंड सी का मतलब है केयरलेस एंड इरेगुलर। इट इज नोन दैट 10 स्टूडेंट्स आर इन कैटेगरी ए, 30 इन कैटेगरी बी एंड रेस्ट इन कैटेगरी सी। इसका मतलब ये हुआ कि सी के अंदर कितने बच्चे हो जाएंगे, 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे सी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ कैटेगरी ए अनेबल टू गेट गुड मार्क्स इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इज 0.002, ऑफ कैटेगरी बी इट इज 0.02 एंड ऑफ कैटेगरी सी दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.20। बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो अभी अगले स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये डायग्राम में बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं। चलिए, कलरफुल डायग्राम है जिसको यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। सो एनीवे, फिलहाल चलते हैं अगली स्लाइड पे बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, इफ अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम वॉज फाउंड टू बी द वन हु कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, जिस स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए एग्जाम में, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज ऑफ कैटेगरी सी इज, यानी कैटेगरी सी के स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना इवेंट्स एज्यूम कर लेंगे। वैसे तो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा स्टेटमेंट्स ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, बट फिलहाल मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूँ बच्चों। तो हम मान लेंगे इवेंट ई कि स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये तो हम इवेंट ई मान लेंगे इन द एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर इवेंट ए हम मान लेंगे कि स्टूडेंट ऑफ कैटेगरी ए, ठीक है, यानी कैटेगरी ए का स्टूडेंट, ऐसे ही बी मान लेंगे और ऐसे ही सी मान लेंगे, ठीक है। कैटेगरी बी का स्टूडेंट हो जाएगा ये, और ऐसे ही कैटेगरी सी का स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ऑफ कैटेगरी सी इफ ही कुड नॉट गेट द गुड मार्क्स। तो हमसे बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर ई पूछा गया है। तो बच्चों, अब यहां से हम लोग बेसिकली बेस थ्योरम का यूज करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर ई निकालना पड़ेगा, क्योंकि द स्टूडेंट इज ऑफ कैटेगरी सी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो, ठीक है। तो बेस थ्योरम का हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। सो बेसिकली इट विल बी ई ओवर सी का प्रोबेबिलिटी इनटू पी ऑफ सी अपॉन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर ए इनटू पी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इन सभी की वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता हैं। कैसे पता, मैं आपको बताता हूं। देखो, पी ऑफ ए कैटेगरी में कितने बच्चे थे, तो 10 बच्चे थे, ठीक है, और टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल हमारे पास 60 स्टूडेंट हैं, यानी 10/60 हो जाएगा ये, विच इज एक्चुअली 1/6। ऐसे ही पी ऑफ बी क्या आएगा, तो कैटेगरी बी में 30 स्टूडेंट थे, यानी 30/60, ठीक है, सो दैट विल बी एक्चुअली 3/6।
थ्री बाय सिक्स इज एक्चुअली वन बाय टू, बट मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बच्चों, वेट करना. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज 20/60, सो इट विल बी 2/6. ये मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं, 3/6 को 1/2 लिख सकते हैं, बताया मैंने. ये सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ना बच्चों, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आसानी रहे. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अब देखो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए या ई अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी या ई अपॉन सी का प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको पिछली स्लाइड में. ये देखिए बच्चों, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी. ये देखिए, पी ऑफ ई अपॉन ए 0.002, पी ऑफ ई अपॉन बी 0.02 एंड पी ऑफ ई अपॉन सी 0.20. ठीक है, तो इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ और कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. तो पी ऑफ ई अपॉन सी क्या है, अब इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है. तो पी ऑफ ई अपॉन सी क्या है, सो दैट इज 0.2. पी ऑफ सी क्या है, सो इट इज 2/6. ठीक है बच्चों. अच्छा, डिनोमिनेटर में आते हैं, पी ऑफ ई अपॉन ए क्या है, सो इट इज 0.002 एंड पी ऑफ ए क्या है, सो दैट इज 1/6. ठीक है, ऐसे पी ऑफ ई अपॉन बी क्या है, सो दैट इज 0.02 एंड पी ऑफ बी क्या है, सो दैट इज 3/6. ठीक है, एंड पी ऑफ ई ओवर सी दैट इज 0.2 एंड पी ऑफ सी दैट इज 2/6. अब देखिए यहाँ पर होगा ये कि ये डिनोमिनेटर में जो 6 है ना, वो बड़े आराम से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये 2/6 या 3/6 को सिंप्लीफाई नहीं किया था बच्चों. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा आपका न्यूमरेटर में 0.4, डिनोमिनेटर में आपका बनेगा 0.002, ये बनेगा 0.06 एंड दिस विल बी 0.4. ठीक है, अब जरा यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और क्या आएगा आप मुझे बताइए. तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. सो न्यूमरेटर में बन जाएगा 400 अपॉन, दिस विल बी योर 2, दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी योर 400. तो ये बनेगा आपका 400 अपॉन 462, विच इज एक्चुअली 200 अपॉन 231. तो ये आपका 200 अपॉन 231 बन जाएगा. तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में यही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए बच्चों. ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, देखते हैं इसमें क्या करना है. यहां पर बोला हुआ है कि एज्यूम दैट द स्टूडेंट selected at random was found to be the one who could not get good marks in the examination, then the probability that the student is either of category A or of category B, यानी जो बच्चा है वो या तो category A का हो या category B का हो, इसकी probability पूछी है. तो बच्चों हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो स्टूडेंट है वो या तो कैटेगरी ए का है या फिर कैटेगरी बी का है. तो बेसिकली हमें ये लिखना है कि पी ऑफ ए ओवर ई प्लस पी ऑफ बी ओवर ई, इसकी वैल्यू क्या आएगी. सो इफ यू नो वी कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, बात समझ आ रही है. तो अभी हमने यहां पर ये पी ऑफ सी ओवर ई की वैल्यू निकाली है फर्स्ट पार्ट में, सो दैट वाज 200 अपॉन 231. अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे बच्चों, सो इट विल बी 31/231. आप एलसीएम लेके देखो, बात समझ आ रही है. तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा थर्ड पार्ट में क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अनेबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज, ठीक है, यानी यहां पर हमें बेसिकली पी ऑफ ई निकालना है. सो ये क्या बन जाएगा आपका, अब ये बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. सो इट इज पी ऑफ ई ओवर ए इंटू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ई ओवर बी इंटू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ई ओवर सी इंटू पी ऑफ सी. ठीक है, अब यहां पर इन सब की वैल्यू हमारे पास है ही, हमने अभी सॉल्व किया था. कहां पर, याद है आपको, हमने सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट में. मैं आपको दिखा के लाता हूं, ये देखिए यहां पर हमने सॉल्व किया हुआ है डिनोमिनेटर में, देखिए ध्यान से, ये देखो यहां पर. ठीक है, चलिए तो इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं. सो इट इज 0.002 इंटू दिस वॉज 1/6 प्लस ये आपका 0.02 इंटू पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी आपका था 3/6 एंड दिस इज 0.2 इंटू पी ऑफ सी आपका 2/6. ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 6 ही रहने दो सबके, है ना, एलसीएम लेने में आसानी. और न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 0.002 प्लस 0.06
प्लस 0.4, ठीक है। अब इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है और अपना आंसर बताना है। तो चलिए जरा स्टार्ट करिए, इन सभी का एडिशन करिए। सो क्या आने वाला है मुझे बताना बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 1000 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा आपका 60 और ये बनेगा आपका 400। और 1000 से किया है ध्यान रखना, तो यहाँ पर आ जाएगा 6000, न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 462 अपॉन 6000, ठीक है। 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, सो 231 अपॉन 3000, ठीक है बच्चों। तो 231 अपॉन 3000 यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। एक बार आप देखिए ध्यान से, ठीक है। अब चलते हैं जरा अगले पार्ट की तरफ, यानी फोर्थ पार्ट की तरफ बच्चों, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है ये देखिए। A student selected at random was found to be the one who could not get good marks in the examination. The probability that the student is of category A, यानी हमसे अब यहाँ पूछा हुआ है A upon E का probability, यानी यहाँ लगेगा Bayes theorem, ठीक है। तो P of E over A into P of A, ठीक है। और denominator में जो भी है उसकी value हमने अभी अभी निकाली है ना, third part में। यानी denominator में क्या बनेगा, P of E over A into P of ए, फिर आपका ये आ जाएगा। ये एक्चुअली हमने जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था ना बच्चों, तो वहां पर भी हमने लिखा हुआ था कुछ इसी टाइप का, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं जो हमें पता है ऑलरेडी। सो पी ऑफ ई ओवर ए, सो दैट इज एक्चुअली 0.002, पी ऑफ ए दैट इज 1/6, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं क्या जो पीछे हमने निकाला है। एनीवे फिलहाल तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। आप डायरेक्टली कर सकते हैं ना, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का है, जैसे मन करे वैसे कर लो, फटाफट निपटाओ जल्दी से, ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो एंड दिस इज योर 3/6, राइट, एंड दिस इज योर 0.2 इंटू 2/6, ठीक है बच्चों। चलिए आप 6 तो कैंसिल हो जाएगा एंड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2 ओवर 2 प्लस ये क्या बनेगा 0.06, एंड दैट मीन्स 60, एंड दिस इज 0.4, और 1000 से मल्टीप्लाई किया मीन्स 400। सो इट इज 2 अपॉन 462, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 1 अपॉन 231 आएगा। एक बार चेक करिए मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है बच्चों। 1 अपॉन 231, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फोर्थ पार्ट के लिए, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। आपको तो एग्जाम में कोई से भी चार पार्ट सॉल्व करने हैं, लेकिन यहां तो मैं आपको सभी पार्ट सॉल्व करा रहा हूं बच्चों। तो फिफ्थ पार्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या बोला हुआ है, स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रेंडम वॉज फाउंड टू बी द वन हु कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज नॉट ऑफ कैटेगरी ए इज, यानी ये जो बच्चा है वो कैटेगरी ए का नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर कैटेगरी ए का होगा तो पी ऑफ ए, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, और कैटेगरी ए का नहीं है तो पी ऑफ ए डैश। लेकिन यहां पर क्या है कि उस बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तब आपको ये बताना है कि वो बच्चा कैटेगरी ए का नहीं है, यानी पी ऑफ ए डैश अपॉन ई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए ओवर ई, इस तरीके से लिखेंगे। और इसकी वैल्यू, पी ऑफ ए ओवर ई की वैल्यू हमने अभी फोर्थ पार्ट में निकाली है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है, 1/231, ठीक है। तो यहां पर इसको हम पुट कर देते हैं 1/231 और जरा एलसीएम ले लो, सो इट विल बी 230 अपॉन 231। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा फिफ्थ पार्ट के लिए बच्चों, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब अगली क्लास में हम लोग उन केस स्टडी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो मैंने आपको सेकंड पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर दिए हुए क्वेश्चन हम अब अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए मेरा मतलब टारगेट ये है बच्चों कि आपको इतने क्वेश्चन केस स्टडी पे करा दिए जाए कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें। एक नई चीज है तो इसका हवा नहीं बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।